हेलो, कैसे हैं आप लोग। ये देखिए, ये हमने हैंडबैग बनाया है क्रोशिए से। देखिए, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, कमेंट करके आप मुझे बताएं कि आपको डिज़ाइन कैसा लगा है। और एक मेरी सब्सक्राइबर हैं फातिमा, तो उन्होंने बोला था कि आप बैग बताएं, पर्स के लिए वो बोल रही थी, लेकिन मैं समझ नहीं पाई कि वो कौन सा पर्स बोल रही हैं। तो ये बैग मैंने बनाया है। देखिए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में आप मुझे बताएं कि आपको डिज़ाइन कैसा लगा है। देखिए, और मैं हर दिन एक नया वीडियो अपलोड करती हूँ जिसमें मेरे क्रोशिया और सिलाई के ही डिज़ाइन होते हैं। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करके मेरे वीडियो देख सकते हो। वीडियो, मैं उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएंगे, और वीडियो को लाइक आप ज़रूर करें। तो आइए देखते हैं इसको हमने कैसे बनाना है। देखिए, ये बैग बनाने के लिए हमने यहाँ पर सबसे पहले चैन हम बनाएंगे, और चैन हमने जो बनानी है तो बैग की जो चौड़ाई है हमारी वो 11 इंच है, तो 11 इंच हमने चैन बनानी है। देखिए, ऐसे करके हम ये चैन बना लेते हैं। ये चैन हमने ऐसे बनानी है। अगर आपने चौड़ाई ज़्यादा रखनी है तो आप इसको चैन को बढ़ा भी सकते हो, लेकिन हमने इसको चौड़ाई से शुरू किया है और ऊपर हम इसकी लेंथ तक इसको लेकर गए हैं। और 42 42 करके हमने उसको 3 जगह डिवाइड किया है, 3 पार्ट हमने उसके एक ही साथ में बनाए हैं। तो ये देखिए, ये हमारी चैन बन गई है। अब हमने इसमें बनाना है एक हाफ डबल क्रोशिया, हम इस पर बनाएंगे। ये रो बनानी है हमने, पूरी रो हमने हाफ डबल क्रोशिया हम बनाएंगे। ऐसे धागा लेंगे और ये देखिए चैन के अंदर हम डालेंगे और तीनों को हम एक साथ निकाल देंगे। फिर से हमने धागा लेना है, चैन के अंदर हम डालेंगे और इसको हमने पूरा ऐसे करके निकाल देना है। तो ऐसे करके हमने ये रो पूरी कंप्लीट करनी है। ये देखिए, हम यहाँ पर सेकंड रो में आ गए हैं। सेकंड रो भी हमने ऐसे ही करके बनानी है, धागा लपेटेंगे और यहाँ पर हमने इसको ऐसे करके तीनों को एक साथ निकाल देना है। फिर हमने धागा लेना है और अगले वाली चैन में डालना है और तीनों को हम एक साथ निकाल देंगे। ऐसे करके हमने ये रो भी पूरी कंप्लीट करनी है। ये देखिए, ऐसे करके हमने इसको बनाना है। ये देखिए, ये रो भी हमने कंप्लीट कर ली है। अब आप एक चीज़ का ध्यान करेंगे, क्या तो आपने ये चैन गिन लेनी है, इसमें फ़र्क नहीं आना चाहिए। आपको दोनों साइड से बिल्कुल बराबर बराबर चैन लेकर चलना है, ये आगे पीछे नहीं होगा। और यहाँ पर भी हमने, यहाँ जैसे हमने एक चैन बनाई और एक चैन बनाने के बाद में सिर्फ ये इसी चैन के अंदर हमने इसको डालना है। ये देखिए, तो 3 चैन के अंदर हम इसको बनाएंगे हाफ सिंगल क्रोशिया। देखिए, ये देखिए 2 बार हमने इसको बना लिया है, और ये तीन तीन सिंगल क्रोशिया, हाफ सिंगल क्रोशिया हमने बनाया है। अब आप देखिए, 2 बार हम धागा ऐसे लपेटेंगे क्रोशिए के ऊपर और इसके अंदर हमने इसको डालना है। ये देखिए, यहाँ से हमने इसको, आप ये देखिए, यहाँ से हम इसको गिनेंगे 1 2 3 और ये चौथा आए, तो इसके अंदर हमने यहाँ पर, ये देखिए जहाँ से हम इसको शुरू करते हैं यहाँ पर हमने इसको डालना है। तो धागा हम 2 बार ऐसे लपेटेंगे क्रोशिए के ऊपर से और यहीं पर हमने इसको मिलाकर डालना है। ये देखिए, 1 बार निकाला और ये 2 बार और ये देखिए 3 बार, 3 बार हमने इसको निकाल दिया है। फिर से हमने धागा लेना है और ये वाली चैन हमने छोड़ देनी है, इसके अंदर हम इसको डालकर, और ये देखिए तीनों को एक साथ हम निकाल देंगे। फिर से हमने धागा लेना है और इसको अंदर डालकर इसको हमने ऐसे निकाल देना है। 3 बार हम इसको बनाएंगे। यहाँ पर हमने, ये देखिए जो ब्लॉक बनाए हैं, तो ये 3 बनाए हैं। इसके बाद में हम इसको ऐसे धागा लपेटेंगे और 3 हमने यहाँ से गिनना है। आप देखिए, 1 2 3, इसके अंदर हम इसको डालकर डालेंगे, भी हम यहाँ पर डालना है, हमने इसके अंदर डालना है और इसको हम एक साथ ऐसे बना देंगे। यही डिज़ाइन डालते हुए हमने इसको पूरा कंप्लीट करना है। देखिए, ये देखिए, जब आप इसको बनाएंगे तो आप यहाँ बैक साइड से देख सकते हैं, यहाँ पर हमने ये वाली चैन छोड़ देनी है। एक चैन हम ये वाली छोड़ देंगे और इसके को छोड़कर इसके अंदर हमने इसको डालना है और तीनों को एक साथ हमने निकालना है। देखिए, 2 3 हमने यहाँ पर बनाया है, फिर हम इसमें धागा लपेटेंगे। ये देखिए, और यहाँ से हमने इसको गिनना है 1 2 3, इसके अंदर हम इसको डालकर
यहाँ से इसको बनाना है। देखिए ये देखिए, अब हम यहाँ पर देखेंगे, आप बैक साइड से देख सकते हैं, ये चैन हमने छोड़ देनी है, इस वाली चैन को हम छोड़ेंगे और इसके अंदर हमने इसको बनाना है। ऐसे करके हमने ये पूरी रो कंप्लीट करनी है। ये देखिए यहाँ लास्ट में हमने यहाँ पर बिल्कुल किनारे में डालना है इसको, और तीनों को हम एक साथ निकाल देंगे और बैक साइड से हमने पूरी रो ऐसे ही करके इसको बनानी है। हाफ डबल क्रोशिया हमने पूरी रो बनानी है। ये देखिए ऐसे करके हम इसको बना लेते हैं। ये देखिए अब ये वाला राउंड हम फिर आ गए हैं इस पे सीधी तरफ। यहाँ से हमने इसको बनाना है, एक दो, दो हमने इसमें बनानी है। ये हुआ तीन चार पाँच। अब आप देखिए यहाँ पर जो हमने तीन क्रोशिया बनाया था, ये सिंगल हाफ हाफ डबल क्रोशिया, तो इसके अंदर हम इसमें दोबारा से धागा लपेटेंगे। यहाँ पे ये तीसरे वाले के अंदर हमने डालकर इस डिज़ाइन को अब यहाँ पर हम बनाएंगे। ये देखिए ऐसे करके हमने इसको बनाना है और ये चैन हम छोड़ देंगे। इसके अंदर हमने यहाँ फिर से तीन हाफ डबल क्रोशिया हम बनाएंगे। ये देखिए तीन हाफ डबल क्रोशिया हमने बनाया है, फिर हम दो बार चैन धागा लपेटेंगे और इसके अंदर ये बीच वाला है तो इसके अंदर हमने इसको डालकर फिर से ये डिज़ाइन हमने ऐसे बनाना है। ऐसे करके ये डिज़ाइन हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ये देखिए ये डबल डिज़ाइन हमारा आ गया है। अब इसको बनाकर मैं आपको दिखाती हूँ कि बैग हमने कैसे बनाना है। ये बैग की लेंथ बनकर तैयार है और हमने इसकी जो चौड़ाई रखी है तो वो 11 इंच चौड़ाई है। 11 इंच चौड़ाई रखने के बाद में हमने इसमें 42 रो हमने ये बनाई है और यहाँ पर मार्क लगाया है। 42 के बाद में हमने यहाँ से यहाँ तक भी 42 ही रो बनाई है और फिर यहाँ से आप देख सकते हो जो फाइनल है ऊपर तक भी हमने 42 ही बनाई है। ये 42 का ही एक हिसाब है। अगर आप इससे नहीं बनाएंगे तो इसको ज्वाइंट करने में आपको दिक्कत आ जाएगी, छोटा बड़ा हो जाएगा। और इसको हमने किस तरह से फोल्ड करना है इसलिए हमने यहाँ पर भी इसमें मार्क लगाया है, आप देख सकते हो। अब देखिए ये डिज़ाइन की वजह से मैंने आपको इधर से दिखाया है, ये इसका फ्रंट है और ये इसकी बैक साइड है। हम इसको बैक साइड से ही इसको ज्वाइंट करेंगे। तो ये देखिए इसको ज्वाइंट करने के लिए हमने यहाँ पर इसको ऐसे कर दें, सॉरी ये हमने ऐसे नहीं, इसको हम यहाँ से यहाँ मिलाएंगे, इधर जहाँ पे हमने मार्क किया है आप देख सकते हो एक मार्क इधर है और एक मार्क इधर है। तो इसको हमने यहाँ से इधर मिलाना है और ये साइड हमने इधर से इधर मिलानी है। ये देखिए यहाँ पर हमने इसको मिलाया है। अब आप देखिए और फिर हम इसको यहाँ से यहाँ लाएंगे। ये देखिए इसकी लेंथ के बराबर ही, इसकी चौड़ाई के बराबर ही हमने इसकी लेंथ बनाई है। इसको हमने यहाँ से यहाँ ज्वाइंट करना है, यहाँ से यहाँ हम इसको ज्वाइंट करेंगे। और ये देखिए आप ये बैक साइड है तो इसको हमने यहाँ से यहाँ ज्वाइंट करना है और उसके बाद हम इसका हैंडल ऊपर से बनाएंगे। तो ये आपको मैंने इसकी लेंथ के हिसाब से इसको बताया है। ये देखिए बैग बनकर तैयार है, ये ज्वाइंट करके मैं आपको बताती हूँ और फिर हमने इसमें हैंडल कैसे लगाना है वो भी हम आपको बताते हैं। ये देखिए इसमें हमने ये कवर भी लगाना है, तो ये कपड़ा हम ऊपर से इसमें लगा रहे हैं। इसको हमने बैक साइड से ऊपर रखा है, ये देखिए ये बैक साइड ऊपर है और जिसका फ्रंट है वो हमने नीचे की साइड किया है, इसके ऊपर रख के और बिल्कुल इसी के नाप का हमने ये कपड़ा लिया है आप देखिए। और यहाँ से हमने इसको सुई से लगाना है, सुई से हम इसको लगाते हुए चारों तरफ से हमने इसको सुई से लगा लेना है। ये देखिए सुई से हम इसको यहाँ से अटैच करेंगे ऐसे करके, उसके बाद हमने इसको जॉइंट करना है। इसको फोल्ड हम तभी करेंगे जब ये कपड़ा हम इसमें लगा लेंगे। कपड़ा लगाने के बाद ऐसा है कि हम इसको वॉश कर सकते हैं। ये देखिए एक साइड हमने जॉइंट कर ली है, अब आप देखिए दूसरी साइड भी हमने इसको जॉइंट करना है। कपड़ा लगाने के बाद में हम इसको इधर लाएंगे, ये देखिए ऐसे करके हमने इसको लाना है और यहाँ पर हम इसमें पिन लगा देंगे, मार्क लगा के आप इसको बंद कर लें। देखिए ये साइड भी, सिर्फ हमने जॉइंट दो ही साइड करना है इसको, ये वाला साइड किया है एक पीछे की साइड किया है। तो ये जॉइंट कैसे करना है ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये
मार्क है, तो मार्क से हम दोनों साइड हमने लगा लिया है। अब आप देखें, क्रोशिया हमने यहाँ पर डालना है और इस साइड भी हमने जो किनारा है यहाँ पर इसको डाल के, ये देखिए धागा हमने इसके अंदर हम यहाँ पर धागा डालेंगे। ये पहले से हमने हुक बना के रखा हुआ है, एक ये नॉट लगाई थी धागे में। तो अब देखिए आप इसको ऐसे करके हम यहाँ निकालना है, फिर हम एक चैन बनाएंगे। ये देखिए चैन हमने बना ली है एक। अब हम यहाँ पर जो पहली वाली चैन है इसके अंदर हम यहाँ क्रोशिया डालेंगे। देखिए नज़दीक से मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पर हमने क्रोशिया डालना है, फिर इस साइड भी हम ऐसे ही क्रोशिया डालेंगे और इसको हमने ऐसे करके दोनों को स्लिप नॉट से जॉइंट करना है, निकाल दिया है। अब आप देखिए यहाँ हमने क्रोशिया डालना है, फिर आगे वाली चैन के अंदर भी हम ऐसे क्रोशिया डालेंगे, धागा लपेटना है और दोनों में एक साथ करके निकाल देना है। देखिए अब आगे वाली चैन है, इसके अंदर भी हम इसको डालकर ऐसे ही हमने क्रोशिया से ये स्लिप नॉट निकाल लिए। ऐसे करके हमने इसको ज्वाइंट करना है। आप देख सकते हो कि इसको हमने जो इसकी फ्रंट साइड है सीधी साइड से हम इसको ज्वाइंट करेंगे। हमने बैक साइड में कपड़ा लगाया है, वो अंदर की साइड है, वहाँ से हमने इसको नहीं ज्वाइंट करना है। हम जो इसका फ्रंट है वहाँ से हम इसको ज्वाइंट करेंगे। देखिए ये इसको ज्वाइंट करके मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने ऊपर हैंडल कैसे बनाने हैं, ये हम इसको कर लेते हैं। ये देखिए हमने इसमें ऐसे करके चैन बनानी है, ये हैंडल के लिए हम चैन बना रहे हैं। और आप देखिए ये हमने 80 चैन बनानी है, ऐसे करके इधर से हम चैन बनाते हुए उस साइड ले जाके हमने इसको फोल्ड ज्वाइंट करना है। और जितना आप इसको चाहें आप उस हिसाब से चैन बना सकते हो। ये देखिए हमने यहाँ पर दो चैन बना ली हैं और तीसरी चैन हम बना रहे हैं, एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर पे ले जाके हमने इसको ज्वाइंट करना है। देखिए इस साइड हम लेकर आए हैं इसको इस साइड, और ये देखिए आप इस साइड से हमने इस साइड इसको ज्वाइंट किया है। दोनों साइड हमने चैन बनानी है, दो बार बना दी है, तीसरी चैन ये बन रही है। देखिए देखिए हमने 8 चैन बनाई हैं, 8 चैन हमने यहाँ पर ज्वाइन की हैं इस साइड, और ये देखिए आप इस साइड भी हमने कॉर्नर से इसको ज्वाइन किया है यहाँ पर, ये देखिए। अब देखिए हमने इसको कैसे बनाना है, आप देखेंगे यहाँ से हमने क्रोशिया डालना है और इसको लेकर आएंगे और ये सिंगल क्रोशिया हमने इसमें बनाना है। ऐसे करके आप देख सकते हो यहाँ से क्रोशिया डालेंगे, ऐसे करके हमने इसको दोनों को एक साइड एक साथ हमने निकालना है, धागा हम एक साथ निकालेंगे। ये देखिए ऐसे लाए और धागा लिया और इसके साथ में दोनों को एक साथ निकाल दिया, यही सिंगल क्रोशिया होता है। सिंगल क्रोशिया से ही हमने ये पूरा हैंडल को कवर करना है और ऐसे ही करके हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए ऐसे करके हमने इसको कंप्लीट करना है। देखिए यहाँ से क्रोशिया डालेंगे, ऐसे करके इसको निकाल के हम यहाँ दोनों को एक साइड निकाल देना है। ये देखिए फिर हमने नीचे से क्रोशिया को डालना है और धागा लेकर ऐसे करेंगे इसको, ये देखिए ऐसे करके हमने इसको पूरा हैंडल को बना लेते हैं, फिर हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए ये हैंडल बनकर तैयार है और बैग हमारा बन चुका है। देखिए आप दोनों साइड से हमने इसको जॉइंट कर दिया है। ये देखें, कल फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।